फ्रेंड्स ये देखिए कितना बढ़िया चॉकलेट सॉस, वो भी सिर्फ 10 रुपये में, बिना किसी बॉर्नविटा के, बिना किसी कोको पाउडर के या फिर बिना किसी कंपाउंड के हमने बनाया है। घर की दो ही चीज़ों से ये चॉकलेट सॉस आप ही तैयार कर सकते हैं। इसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो ये रेसिपी लॉकडाउन स्पेशल रेसिपी है। अगर आप अपने केक्स को, कपकेक को या फिर कोई भी डेजर्ट को टॉपिंग करने के लिए सॉस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घर पे बहुत ही सस्ते में आप ये सॉस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये सॉस की आप कंसिस्टेंसी देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पाइपिंग कोन से निकाल के। ये आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट सॉस हमारी बनी है, कलर कितना अच्छा आया है। मैंने इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, दो ही चीज़ों से इसे बनाया है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतनी आसान चॉकलेट सॉस की रेसिपी आप मेरे चैनल पर बहुत सारी और भी देख सकते हैं। मैंने बॉर्नविटा से भी शेयर किया है पहले और साथ ही साथ मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट से भी चॉकलेट सॉस बनाना बताया है। आप कोई भी रेसिपी देख सकते हो। तो आज की ये चॉकलेट सॉस हम बनाने वाले हैं ये 10 रुपये के ओरियो बिस्किट के साथ। आप कोई भी फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हो, जैसे स्ट्रॉबेरी, ये मैंने वनीला लिया है, आप चॉकलेट फ्लेवर ले सकते हैं। अब हम इसमें से बिस्किट को निकालेंगे। एक पैक के अंदर यहाँ 5 पीस बिस्किट के आते हैं। तो फ्रेंड्स इस 5 पीस बिस्किट के साथ आपका एक बाउल भर के चॉकलेट सॉस तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी क्रीम को अलग कर लेंगे। मैं आज की सॉस में इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसके साथ एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज मैंने आपको ये सॉस बना के दिखाया है, इसी सॉस के साथ मैं आपको कल पाइपिंग गनाश बनाना सिखाने वाली हूँ। आप भी अगर ये पाइपिंग गनाश रेसिपी सीखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने सारी क्रीम निकाल के अलग रख ली है। अब ये बिस्किट जो है इन्हें हम एक जार में इस तरीके से तोड़कर डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो ये मैंने 2/3 कप दूध लिया है। आप यहाँ पे फुल फैट क्रीम दूध लेंगे तो आपका जो सॉस है वो बहुत ही क्रीमी बनेगा। साथ ही साथ मैं इसमें 2 बड़े चम्मच शुगर भी डालूंगी। अगर आप चाहें तो बिना शुगर के बना सकते हो, लेकिन सॉस थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है इसीलिए हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारा ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। फटाफट से इसे एक पैन में डाल देते हैं। ये मैंने भारी तले का एक पैन ले लिया है और इसमें इस मिक्स को डालने के बाद हमें इसे पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकाने के लिए रख लेते हैं। मैंने इसे गैस पर लो फ्लेम पर पकने के लिए अब रख दिया है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज नहीं करना है, बहुत ही जल्दी इसमें लम्स बनने लगते हैं। तो इसी तरीके से चलाते हुए आपको ये सॉस बनाना है। सिर्फ 1 ही मिनट में आपका ये सॉस तैयार हो जाएगा। लो फ्लेम पे बस 1 मिनट आप ऐसे ही इसे चलाते रहें। आपको इसमें कोई भी लम्स बनने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर लम्स बन भी जाते हैं तो आप इसे एक स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से छान लीजिएगा, तब भी आपकी सॉस अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से चलाया है। अब धीरे धीरे ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें एक अच्छी सी थिकनेस आ गई है। बस इतना ही आपको इसे पकाना है। अब गैस को मैं बंद कर लेती हूँ। सॉस के अंदर एक क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर नहीं है तो आप इसमें देसी घी डाल सकते हो अगर आपको खाना पसंद है तो, नहीं तो आप यहाँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
ये मैंने सॉल्टेड बटर लिया है दोस्तों। सॉल्टेड बटर डालने से इस सॉस में एक और भी बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रीमी सॉस तैयार हो गया है। बस अब हमें इसे चलाते हुए ठंडा करना है, इससे इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए सॉस की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है। बहुत ही बढ़िया थिक सॉस हमारी तैयार है फ्रेंड्स। बिना कोको पाउडर के, बिना बॉर्नविटा डाले, या फिर बिना किसी आप कंपाउंड यूज़ करें, या चॉकलेट, कोई भी मार्केट का चॉकलेट इस्तेमाल नहीं किया हमने, फिर भी हमारा बहुत ही बढ़िया सॉस बनकर तैयार हुआ है। तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इस लॉकडाउन में आप अगर अपने केक को सजाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसे मैं एक पाइपिंग कोन में भर लेती हूँ, और ये देखिए वाओ। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों से ये सॉस बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट सॉस आप इस तरीके से बना सकते हो। इस चॉकलेट सॉस के साथ मैं आपको पाइपिंग गनाश बनाना सिखाने वाली हूँ। अगली वीडियो मैंने इसी पर शूट की है। तो आप ये वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आसान आसान वीडियो आप सीख सकें। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही सस्ते में आप अपने केक को बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन दे पाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।